gay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. अच्छा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलना है बच्चे, तू बोल। बोलो साद नेम व्लॉग को सब्सक्राइब करो। हाँ ये चीज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। कल शाम से लगी हुई है बारिश मुसलसल मगरिब से और अभी तक चल रही है, पानी भर गया। इतना जो है ना हाफ बंदा डूब जाता है, इतना पानी भर चुका है बारिश का। फिर मैं जो है आज है बीफ रोश बलूचिस्तान की डिश है और ये दोनों भीग गए थे बारिश में। तो ये ले देख इनको, ये ले। ये तीसरा आ गया भाई। हाँ क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? ये देखो ये तुम्हारे साथ वाले ये रहे। ये कौन है दिखाओ इसको ना। अब सही है, अब सुकून हो गया। तो नाश्ता मैंने कर लिया ये भी सुकून से बैठे हुए और इनके मज़े हो गए कि बारिश से जान छूटी इनकी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी गली का क्या हाल और कराची ऐसी तबाही का मंज़र पेश कर रहा है। बारिश मुसलसल 14 घंटे हो गए बारिश लगे तो कराची ऐसे ही तबाही का मंज़र पेश कर रहा है। तो दिखाता हूँ मैं, बारिश होने के बाद धूप भी निकली फिर बारिश हो रही है हल्की हल्की और ये गली की हालत देख सकते हैं आप। पूरा कराची ऐसा मंजर पेश कर रहा होगा बाहर सब। वो बंदा देखे आप, वो रक्षा खड़ा थी। ये तबाही का मंज़र देख सकते हैं आप, पूरी कराची में ऐसा ही है। क्या कर सकते हैं, घरों में पानी जा चुका है। जो ग्राउंड फ्लोर पे है उनके तो पानी जा चुका है, हम तो है सेकंड फ्लोर पे। लेकिन ये हर साल, ये फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसा, हर साल ही होता है। बहुत नुकसान होता है लोगों का, लोग परेशान खड़े हैं लोगों का। रहीम भाई हल्की बारिश हो रही है, साथ में धूप भी निकल आई है पर बादल मौजूद है आसमान पर और मुसलसल आज पूरा दिन बारिश बताई है। जमरात वाले दिन जो सुना है बड़ों से कि जब शुरू होती है बारिश तो फिर पूरा हफ्ता चलती है, वैसा ही हो गया। हल्की हल्की अभी हो रही है बूंदा बांदी। देखिए बारिश रुकने के बाद अब नीचे उतरा हूँ और यहाँ तक पानी आया था अंदर। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कहाँ हो यार सुबह से तुम? मैं घर में था यार। इसको अभी तक जिक्र नहीं करा गया? नहीं ये शायद अभी कर गए, फेमस हो गई ले लो इसको निकाल लेना। सुनो बारिश में कहाँ घर में थे? बस घर में सो रहे थे यार, 7 बजे हो गए। छत गिरे, ये नुकसान तो नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ, खैरियत है। हाँ भाई बारिश में ये भी इंजॉय कर रहे, बच्चे तो बच्चे होते ना वकार भाई, इंसानों के हो या जानवर के। और ये पता है मुझे बारिश हुई है नहीं पता, पता है मुझे यार ये जब जबान मारते हैं ना
वकार भाई बोल रहे हैं तुम भी आओ पानी में खेलो हमारे साथ। भाई हमारे में दम नहीं है। वकार भाई कराची वालों को समंदर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल समंदर खुद चल के कराची आ गए, चल के आता है गलियों में कराची की। फिर भी लोग खुश नहीं, यहाँ पानी के लिए लोग जो है ना रोते है। अब देखो आपको हर तरफ पानी पानी मिलेगा लेकिन किसी को कदर ही नहीं है। सही बात है। और दूसरी बात बताऊँ, देखो बारिश के लिए जो है ना लोग दुआएं मांगते हैं गाँव देहातों में, क्योंकि उनके फसल ख़राब होते हैं। और कराची में सबसे ज़्यादा कमी जो है ना वो बारिश की है। सही है, डैम खाली पड़े हुए, तो बारिश जब होती है डैम भर जाते हैं, तो वही डैम का पानी जो है ना हमारी जो गलियों वलियों में आते हैं ना, तो हम यूज़ करते हैं। अब जब डैम खाली होगा, बारिश नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है डैम खाली होगा तो पानी ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है ना इस पानी की वजह से उस पानी को मिस करते हैं। क्यों बताऊँ? दुआएं करते कि अल्लाह बारिश ना हो। जब बारिश नहीं होगी तो पानी डैम नहीं भरेगा तो लाइनों में पानी कैसे आएगा? सही बात। तो भाई ये जो है ना नेचुरल चीज़ है, बारिश के लिए दुआ की जाए, लेकिन खैर और आफियत की बारिश हो ऐसी दुआ की जाए। बिल्कुल बारिश बहुत लाजमी है, जैसे धूप लाजमी है वैसे बारिश भी लाजमी है, जैसे पीने के लिए पानी लाजमी है वैसे बारिश भी लाजमी है। कल शाम से जो है लगी हुई है, बारिश लगी हुई थी, लेकिन अब देखो धूप भी निकल आ गई है, बादल भी बहुत कितने प्यारे लग रहे हैं आसमान। अब देखो कल माशाल्लाह से कुर्बानी का दिन था, अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल करे, आमीन। सही है, तो कुर्बानी का जितना भी गंद रोडों पे पड़ा हुआ था तो वो भी साफ़ हो जाएगा बारिश की वजह से। मतलब बारिश फ़ायदे ही फ़ायदे है, नेमत है बारिश, नेमत है। सही बात, जैसे पानी नेमत है अल्लाह ताला की वैसे बारिश। लेकिन नुकसान भी तो हो जाता है ना ये ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों का। अब नुकसान की मैं एक बात बताऊँ आपको, नुकसान भी नहीं लोगों की वजह से होता है इनका। बताओ कैसे? कैसे भाई ये प्लास्टिक बैंड नहीं करते आगे से, नाले पूरे ब्लॉक है किस वजह से? इस प्लास्टिक की वजह से। आजकल आप 1 रुपए की चीज़ खरीदो के 10 रुपए की चीज़ खरीदो, वो आती है प्लास्टिक बैंड में। सही बात है। वकार भाई प्लास्टिक बैंड पे वैसी पाबंदी लगी हुई है यार, देखो लगी हुई है लेकिन यहाँ नहीं लगी हुई, लगी हुई है बाहर उनको। नहीं नहीं यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ यार ये बैग ये तो यहाँ पाबंदी, जिस चीज़ पे पाबंदी होती है वो ज़्यादा मिलती है मेरे भाई। वही तो चीज़ है, देखो मेरे भाई पाकिस्तान का जो है ना वो कभी सुधर नहीं सकता जब तक आवाम सुधर नहीं जाए। हाँ बिल्कुल। और आवाम सुधरने का नाम नहीं ले रही है, चाहे बड़े बड़े व्यापारी हो, लोग हुकूमत को वैसे ही गालियाँ देती है। हाँ सही बात। सही है, हुकूमत को गाली देने का फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप खुद को सुधरोगे नहीं। हाँ खुद, असल तो बात ये है खुद सुधरना है ना। हाँ अब देखो ये इतने प्लास्टिक बैग यहाँ घूम रहे, वो नाले में भी जाएंगे, प्लास्टिक बैग ना मेल्ट होता है ना कागज़ की तरह गायब होते हैं, वो वैसे का वैसे ही सालों साल पड़ा हुआ होता है नालों में, चलो जैसे भी नाले बड़े ब्लॉक होते हैं। अल्लाह करे यार सुधर जाए। आप सबसे गुजारिश है, मैं कोशिश करूँगा, फिर आप जो है ना कपड़े का बैग बनाए, जो भी चीज़ मार्केट से लेने जाए वो घर से कपड़े का बैग लेके जाए, उसमें डाले चाहे दूध हो कोई भी चीज़ हो, और वो जो है ना फिर गल लेके आए, तो कपड़े का बैग यूज़ करे, या जो वो होता है ना वो गत्ते वाला बैग जो कागज़ को होते हैं वो यूज़ करे, वो अच्छा होता है। प्लास्टिक से बायकॉट करें मेरा भाई, जो चीज़ जो है ना नेचुरल को नुकसान पहुंचाती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, उसको बायकॉट करें। सही है। और साथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं वकार खान हूँ, मेरा चैनल का नाम वकार अनवर व्लॉग है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें भाई, हम दोनों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम ऐसी अवेयरनेस की और ऐसी वीडियो अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. को भी यहीं पर एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफा करी तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नज़र आऊँगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।